सिंध में जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप है। सिंध को जो पैसा देते हैं वो कनाडा और दुबई से बरामद होता है। फवाद चौधरी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से सूबे में आर्टिकल 140 नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कराची में मीट द प्रेस में वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि सिंध को जो पैसा दिया जाए उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। फजलुर रहमान जैसे गैर मुंतखब लोग चाहते हैं सिस्टम ना चले। पीडीएम के नाम पर बदजायका डिश बनी, खुद भी एक चम्मच नहीं चख सके। पहला विफाकी वजीर है जिनका फोकस सिर्फ एक सूबा है। क्या आर्टिकल 148 का निफाज सिर्फ सिंध में होना चाहिए बाकी सूबों में नहीं? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का फवाद चौधरी को जवाब, कहा हुकूमत को गूंगे लोग पसंद हैं। मुराद अली शाह पसंद नहीं, वो सिंध के लोगों की बात करते हैं। एमकेएम और जीडीए ने सिंध के अवाम का साथ नहीं दिया, विफाक की हिमायत की। हुकूमत से नहीं, जो कुव्वतें इमरान खान को लाई हैं उनसे बात हो सकती है लेकिन वाज़ेह शराइत पर। मौलाना फजलुर रहमान की पिशावर में मीडिया टॉक, कहा इदारे गैर जानिबदार हो जाएं, उनकी सियासत में मुदाखलत कबूल की नहीं करेंगे। धांधली करके ना अहल और मोहल्ले के अबाश लोगों को पार्लियामेंट में बिठाया गया, पुराना निज़ाम खत्म कर दिया, नए निज़ाम का तजर्बा नाकाम हो चुका। 4 जुलाई को स्वात, 29 को कराची में पीडीएम का जलसा होगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, हुकूमत का इरादा है 27 रुपये पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाएंगे। मिफ्ता इस्माइल के वार, कहा नौकरी पेशा अफराद के मेडिकल अलाउंस पर टैक्स लगाना ज्यादती है। स्टॉक मार्केट के सेठ हजरात का टैक्स 15 से 12% कर दिया, इससे हुकूमत की तरजीहात की अकासी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के नस्ला टावर मिसमार करने के हुक्म पर ताहाल अमल ना हो सका। इंतजामिया मकीनों से नस्ला टावर खाली ना करा सकी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चुप साध ली। अदालत के फैसले में कहा गया था कि नस्ला टावर तजावुजात पर कायम किया गया, इसे खाली कराकर मिसमार किया जाए, बिल्डर मकीनों को रकम अदा करे। और मदरसे के तालिब इल्म से बदफेली का इल्ज़ाम, पुलिस ने मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ुर्रहमान को 2 बेटों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुफ्ती अजीज़ की गिरफ्तारी मियांवाली, एक बेटे की लाहौर, दूसरे की लकी मरवत से हुई, तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कल अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। मुल्ज़िमान के खिलाफ तालिब इल्म की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज किया गया था।